पधारा ने मारा आप लोगों ने पगे लागना और राम राम। मंच पर विराजमान बीकानेर राजघराने रा और बीकानेर पूर्वरा विधायिका सिद्धि भाई शाह, शंकरलाल जी, हीरालाल जी हर्ष और महिला शक्तिकरणी दो आप और सामने विभूतियां बैठी है, बारे में बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई उन्हें कि आज मंच पर आई है। ओ समाज, इस समाज में मैंने महिलाओं ने क्यों अधिकार नहीं मिल रहे, बड़ा दुख हो रहे उन्हें बात। पुष्कना समाज मैं मारी उम्र है मैंने बीकानेर महाराजा बीकानेर राजा और अठे आम तो मैं देखियो रहे मैं महाराजा नरेंद्र सिंह जी ने देखे वे समाज के बारे में कितना अच्छा उदाहरण दियो कि वो समाज है एक आवाज में मैंने इतनी संख्या में बेड़ा गया तीन लुगाई आई थी मन खाए गया आठ लुगाई दिखी गुनी माने बीकानेर पुष्कणा समाज पूरे राष्ट्र में आपकी भूमिका रखे। मैं आप लोगों ने बताऊं कि बीकानेर जो सावो है ये सावे ने देख भारत सरकार भी यीशु प्रेरणा ली और विवाह आदि ने बारे में बढ़ाओ बीरे बाद में मैंने एक छत्र नीचे रखने की विधान ये सावे सुबियो सीखियो। पहला सात साल शुरू सावो आते थे सात साल की जिकी डिटेल है मां मृदुम सुमारी मुंशी सोनदा लाली ने बात लिखोड़ी है कि सात साल से पहला आम तो वो आर कहते मोने आज भी रिकॉर्डेड है। फिर बाद में तीन साल और चार साल लो जिको सावो है वो भी वे राज के कागज ने मोने लिखित में है। फिर चार और तीन का टुकड़ा कर दो साल और तीन साल राखियो समाज की मांग थी कि दिनों दिन आदमी क्या है कि बढ़ता जा रहा है एकल सावा हो रहे हैं खर्चो घड़ो लाग रहे हैं इन्हें कम करने वास्ते आप भेड़ा हुआ ये सोचो और दो साल सवेरा आयोजन करियो। पर ये दो साल सवेरा आयोजन दे मैंने समाज में कई काफी सुधार हो बे टाइम में सात आठ सौ सवरिया मिलती थी और आज बा संख्या संख्या ने बढ़ने के कारण सु बात और ही डाउन होगी तीन सौ ढाई सौ रखने खने पहुंच रही है। राज परिवार से पहला सहयोग मिलता था राज आज्ञा लिए बगैर समाज कोई काम नहीं करता था आज बाईस आगे परंपरा पर समाज चलने वालों राज आज्ञा लिए बगैर आज वो प्रोग्राम रखता को नहीं चाहे मारे वास्ते सरकार ऊपर किसी हो चाहे नीचे किसी हो मारे वास्ते जी की पुष्कर ब्राह्मणों रे सरकार है राज परिवार की सरकार है वीर आज्ञा भी हमेशा नीचे जोड़ा रह सो जसो। मैं भाई सा सुअर्ज करूं के बीकानेरी पुष्कर ब्राह्मणों की कन्याओं ने ये सावे माथे ज्यादा से ज्यादा जितनी सुविधा मिले माधरो आप रो दायित्व बने मैं तो आप जाके आप बात उठा सको और आप लोग मरी बात ने आगे जयपुर दिल्ली तक उठाने वास्ते आप अधिकार है आप उठाओ लाइन। मैं सदैव कहता हूं राज परिवार आप रे बैंड सु ले और मुंह दिखाई टेका देखी सुविधा आप समाज में देवे तन मन और धन सु आप सागे लागे रहे और आज तो अपने बड़ी खुशी है कि आप भाई साहब सरकार है मैंने फिर क्यों नहीं आप कन्याओं ने सहयोग मिले मिलना चाहिए। सत्य प्रकाश जी बैठे आप बीच में मैंने समाज के वास्ते नहीं पूरे शहर वास्ते तो लाग जोड़ी रहे इसी महान विभूतियों थे विराजमान है जिकी बाड़ी के तो सहयोग रहा थोड़ी देर पहला की बात है दिलीप जी जोशी मैंने कही कि कन्याओं वास्ते मो एडवांस में सुविधा कर रखी है पूरी व्यवस्था कर ली है मगर समाज में मैंने क्या क्या परेशानी आवे मैंने निवारण करने वास्ते तो इशु बढ़िया आप चाहो कि संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े और ज्यादा चौरी हो और समाज में देखो कि एक छत्र नीचे और एक छत्र नीचे आप हो सके क्यों क्योंकि आप मातृ का स्थापना अलग हुए माए अलग बैठे आप पूरे आप पानी का संस्कार अलग हुए यज्ञों पर भी संस्कार आप अलग हुए सब चीजों ने ध्यान में रखते हुए फिर भी पुष्कणा समाज बीकानेर राजघराने की बात में भी हमेशा रखता है और बीकानेर सर्व कन्याओं भी सावो में सावे मोने देवे के मैं पुष्कणा समाज अकेला नहीं पूरे बीकानेर की सगली जातियों मोने पियो करे वो भी सावो मोर पेपर में लगे आ एकल एक जाति करनी नीति माते हो सावो को नहीं और सावो है पूरे बीकानेर की सगली जातियों माते चाहे किसी धर्म रही हो मेरे माते बीकानेर सर्व कन्या और सावो एक में देवो मेरे मन हरेक आप बेटी ने बना सके वो पीर मन इन्वॉल्व हुए बे सवेरे मन पांच सात सौ करना हुए और बाकी अखबार में तो आजकल मीडिया मर्जिया जो देव मेरे को उपाय बोली बाकी मैं और क्यों सु देखो
कोई क्रांति फैला सके। आज राजनीति है, हमेशा होती है, पहला भी होती है, हर बार भी हुई, मेरे को दुखरी बात कह रही। और आ उसी इन्हें रोक सको ही कोई, कह रही आज उपचार कोई बीमारी रहो तो दवाई दे रही, इलाज हो दवाई दो, इलाज हो भी कोई। पर वहां समाज ने एक बात कहू के ज्यादा से ज्यादा हो सके, दो साल आप सावो करिए नहीं तो कुल एकल रे ब्याह रे मने थोड़ा सी की दूरी रखो के एकल नहीं करे, इरे मोहनी ब्याह करे। और बाय चांस एक बात अलग है आप रे के कोई कारणवश पहला कर लियो बा बात अलग है, कोई वैसे कारण भी हो जावे आ कहानी के वो बाउंड है के तुमने कहनी है मोहनी में करना है। पहला एक तो मेरे मोने के अंत अब खूमचे में आ गया, बार भी बताइयो आप ये वासु मारो। आपने निवेदन है समाज की, पुष्करणा समाज की एक महान विभूति हम सबके बीच पधार चुकी है जुगल किशोर जी ओझा पुजारी बाबा, उनसे निवेदन रहेगा आप आए और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। सभी उपस्थित महानुभावों से निवेदन रहेगा पुजारी बाबा का तालियां बजाकर हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। कीकाणी व्यास परिवार के अध्यक्ष नारायण जी व्यास से निवेदन रहेगा श्रीमान जुगल किशोर जी ओझा पुजारी बाबा का माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। पर इस सवेरे में एक जरूर महिलाओं से मारो निवेदन है कि महिला आंदोलन भी चलाया जाए, हर घर घर में जार महिलाओं ने प्रेरित करे के समाज रे मोने हो एक नवी जागृति लो। आज ये मंच माते पहली बार में महिला ने देखी, मारी उम्र मोने 50 साल की उम्र ली और 12 साल की उम्र में आने शुरू हो तो आज मने बहुत खुशी हो रही है कि मंच माते लुके हैं ये मरे समाज री कहनी उन्हें कह तो सर। पर आज मारी बात भी राख सी कि समाज में महिलाओं ने घर घर जाकर क्या सी कि नहीं आप समाज में जी रीति है मैं थोड़ो सी बदलाव करो, आप लोग कितना कमो, कमाई तो थोड़ी होगी, रीतियों बटकी मोकड़ी एकजुट होकर पैसा बंद करो थे ओढ़ी एक नारा लगाओ रे लुगाई ने संदेश दे वो आप लोग की कर सको मैंने कोई कर सके बोली बिलखोरी बात वो नहीं बोली। आजकल नारी प्रधान क्या है पुरुष प्रधान दोनों बराबर भी चले, पर तो फिर भी एक मारा निवेदन है आपने कि आप उठाओ ना मैं दूसरे समाज लोग देख रहे पर समाज रे मोने उपजम चालियो है कि परिचय सम्मेलन मंगेरी प्रथा भी थोड़ा दिनों में खत्म हो जाए और परिचय सम्मेलन जो दूसरे जातियों से जो आ रहे है एक दूसरे ने देख मूवमेंट करना आप परंपरा ही कही ई में क्या मिलाप करना आप कोई छोरे खेले गुंगे आप टाबर अनपढ़िया है पागल ले अरे माइत करता जो कोई सही तो मारी सगाई हुई में रुकाई देखी जगह नहीं किसी है क्या हो गया क्या सगाई हुई क्यों होगी बढ़िया है अबार पाछो कोई वातावरण लो के टाबर माई तो रखे में रहे ए महिलाओं ज्ञान देवे आपने बच्चों ने सबने जाद घर और मंदा रखे हुए के नहीं आधुनिक युग में तो जाओ जरूर लेकिन समाज रीति रिवाज में भी रहो आप और परंपरा है इस समाज संगठित रहे वही मान लोगों ने आपने कहना है